students, welcome to the English class. Today we are going to do our chapter number 1 of class 8 from the book of It So Happened. This chapter name is How the Camel Got His Hump. Ki camel ko apni hump kaise mili? And this chapter is taken from your It So Happened book. And students, this chapter is written by Rudyard Kipling. और ये chapter जो है Rudyard Kipling writer है, उन्होंने write किया है. So students, let's speak the story. How the camel got its hump. It is very interesting story. ठीक है students. So let's try to understand. The world had just begun. The animals were working for humans. World means दुनिया की शुरुआत अभी हुई, ठीक है, अभी हुई थी और animals ने humans के लिए काम करना शुरू किया था, ठीक है, और animals जो हैं वो humans के लिए काम कर रहे थे. There was one lazy animal that did nothing. और तब एक बहुत ही lazy animal था जो कुछ भी नहीं करता था. Lazy मतलब बिल्कुल सुस्त animal. And said nothing but hum. और कुछ नहीं कहता था, सिर्फ एक ही word बोलता था. क्या word बोलता था वो? Hum. उसके पास कोई भी जाता, कुछ नहीं बोलना उसने. Only said single word, that is hum. So now let's, who is that lazy animal that does nothing and only sat hum. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man. बिल्कुल starting की बात है, ठीक है, जब world, जब पूरी दुनिया जो है वो नई नई दुनिया थी, ठीक है, और animals ने जो है work की स्टार्टिंग करी थी, वर्क की शुरुआत करी थी ह्यूमंस के लिए, हम लोगों के लिए, मैंस के लिए, जब एनिमल्स ने वर्क करना स्टार्ट किया था. देयर वॉज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट. तब एक कैमल था जो कहाँ रहता था? हाउलिंग डेजर्ट मतलब रेतीले इलाके में. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, बिकॉज वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करना चाहता था. ही एट स्टेक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. अब डेजर्ट में उसे जो मिलता था, स्टिक्स मिलती थी, ठीक है, थॉर्न्स मतलब वो कांटों वाली चीजें पेड़ पौधे खाने के लिए मिलते थे, वो उन्हीं चीजों को खाता था. एंड वेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई भी उससे बोलने जाता, ही सेड हम, वो फिर एक चीज कहता हम, जस्ट हम एंड नो मोर, सिर्फ हम हम बोलता और कुछ भी नहीं. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद द सैडल ऑन हिज बैक एंड सैड. अब क्या हुआ, अब हॉर्स आया, हॉर्स के बैक पे जो है पीठ पर साइकिल थी, किसके पास आया? हॉर्स आया कैमल के पास और उसे बोला, क्या बोला? कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कैमल, अरे कैमल बाहर आओ, देखो हम सब कैसे हो गए हैं, हमारे जैसे रहो. फिर हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. कैमल ने कुछ नहीं बोला, ओनली वन वर्ड, दैट इज हम, ठीक है. फिर हॉर्स चला गया, कहां पर गया? मैन के पास गया. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. अब क्या हुआ, अब डॉग आया कैमल के पास विद अ स्टिक इन हिज माउथ, अपने माउथ में एक डंडी लेकर के, एंड सेड, और बोला, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ बाहर आओ, पकड़ो इसे और इसे ऐसे लेकर के जाओ जैसे हम लेकर के जाते हैं, हमारी तरह बनो, हमारी तरह रहो. हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. कैमल ने कुछ नहीं बोला, वो फिर हम बोला और क्या हुआ, डॉग चला गया, डॉग ने जाके मैन को बचाया. ठीक है, प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम. अब कौन आया? अब ओक्स आया विद द योक ऑन हिज नेक, उसकी नेक पे क्या था? योक. एंड सेड, कैमल, ओ कैमल,
द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. कैमल ने फिर से हम कहा और मैन जो है वो कहा और कैमल ओक्स कहा गया. कैमल ने फिर से हम कहा और ओक्स कहा गया. फिर से ओक्स कहा गया मैन के पास. एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर एंड सेड. अब क्या हुआ, दिन की अंत होने को आ गया था, मतलब दिन खत्म हो गया था, खत्म होने को आ गया था. तो मैन ने हॉर्स को भी बुलाया. ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर मैन ने जो है हॉर्स को भी बुलाया, डॉग को भी बुलाया और ओक्स को भी बुलाया. ठीक है, और उनको कहा थ्री ओ थ्री आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. तीनों तुम तीनों, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा दुख है. बट दैट हम थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. अब वो कह रहा है कि हम जो है वो तो डेजर्ट में वर्क ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. अब वो कह रहा है कि मैं जो है उसे अकेला छोड़ दूंगा. ठीक है, अकेला छोड़ने जा रहा हूँ. एंड तुम तीनों को अब डबल वर्क करना पड़ेगा. दैट मेक द थ्री एंड वेरी एंग्री. अब ये चीज सुन के तीनों जो एनिमल थे ओक्स डॉग हॉर्स तीनों को बहुत गुस्सा आया. दे हेल्ड पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. अब उन्होंने डेजर्ट के किनारे पर एक पंचायत रख ली. एंड द कैमल केम चुइंग होता है चुगली करना, चुइंग कर्ड, वैसे चुइंग चबाना भी होता है, चुइंग कर्ड यहाँ पर है. जुगाली चुगली नहीं करना, वो जुगाली नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, मुंह हिलाते रहते हैं. ठीक है, कैमल कम चुइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम. कैमल भी आया उस पंचायत में, उनको देखा और हंसने लगा. ठीक है, देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन. फिर वो आया, हम बोला और फिर चला गया. प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हू वाज इन चार्ज ऑफ ओल्ड डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट. तो अब कौन आया, क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब धूल भरे बादल से निकल करके एक जिन आया वहां पर. ठीक है, और जिन क्या है, वो सारे डेजर्ट का चार्ज है. ठीक है, सारे डेजर्ट का इंचार्ज है. ठीक है, अब इंचार्ज के पास जो है सारे डेजर्ट का चार्ज होता ही होता है. जिन ऑफ ओल्ड डेजर्ट सेड द हॉर्स इट इज राइट फॉर एवरीवन टू बी आइडल. ठीक है, अब जिन जो है हॉर्स को कह रहा है कि ये सबके लिए सही है टू बी आइडल, आइडल बनना. सर्टेनली नोट सेड द जिन. ठीक है, अब जिन ने कहा कि नहीं. वेल सेड द हॉर्स. हॉर्स ने कहा देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद द लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ही वॉन्ट ड्रॉप. अब हॉर्स ने कहा कि तुम्हारे डेजर्ट में ठीक है क्या है, एक चीज है जिसकी लंबी गर्दन है, लंबी लेग्स हैं और उसने जो है मंडे मॉर्निंग से एक इतना सा भी काम नहीं किया. ठीक है, व्यू वो कहते हैं व्यू, व्यू में जो कहते हैं अच्छा. सैड द जिन विस्लिंग दैट्स माई कैमल व्हाट डज ही से अबाउट इट. तब जिन ने कहा अच्छा मेरा कैमल है, उसने कहा क्या कहता है वो तुम्हें. ही सेज हम, उन्होंने कहा वो कहता है हम. एंड ही वॉन्ट प्लग सैक द ऑक्स. ऑक्स ने कहा कि वो हमारी तरह प्लगिंग भी नहीं करता. ठीक है, वेरी गुड सैक द जिन. जिन ने कहा वेरी गुड. आई विल हम हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. मैं अभी उसे हम करके आता हूँ, एक मिनट रुको. Now move to our second paragraph, that is page number 4. The jinn remonstrated with the camel who said hum. अब जिन जो है कैमल के पास जाता है. ठीक है, वो कैमल को कहता है हम. The camel's beautiful back suddenly grew a lump. और क्या करता है, कैमल की जो ब्यूटीफुल बैक को थोड़ा सा बड़ी कर देता है. Which was the camel's hump, जो कैमल की हम्प होती है, as you can see.
दिस इज द कैमल्स हम्प। ठीक है, वो उसे जिन उसकी हम थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। द जिन एश्योर द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प। और जिन कैमल को विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी हम्प जो है वो तुम्हारी हेल्प करेगी, नोट हिंड्रेंस मतलब कभी भी तुम्हारे लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगी। द जिन रोज हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वॉटर। अब जिन ने अपने आप को रोल किया, ठीक है, वो धूल भरे जैसे बादल में आता है वो, एंड टुक अ वॉक और वेदर और डेजर्ट में क्या करा, देखा एंड फाउंड द कैमल, कैमल को ढूंढा, ठीक है, एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वॉटर। अब उसने देखा कि कैमल जो है वो अपने रिफ्लेक्शन को वॉटर में देख रहा है। ठीक है, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, सॉरी दिस वन इज माय फ्रेंड्स एट द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू आर गोइंग नो वर्क। अब जिन कहता है मेरे फ्रेंड ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम जो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड। अब जिन जो है बैठ जाता है अपनी चिन पर, ठोड़ी पर हाथ रख करके। व्हाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वॉटर। जब कैमल जो है वॉटर पूल ऑफ वॉटर पानी के पूल में अपनी तालाब में अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा होता है, अपनी परछाई देख रहा होता है, मीन्स अपनी शैडो देख रहा होता है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness. मतलब तुम्हारे आलसी बने के कारण तुम्हें जो है क्या दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा वर्क दिया जाएगा मंडे मॉर्निंग से। जिन ने कहा एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। अब जो है वो अपने चिन पर ऐसे हाथ रख के जिन सोच रहा है, ठीक है, हम सेट द कैमरा। कैमल ने फिर उसे बोला हाँ, आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू सेड द जिन, यू माइट से इट वांस टू ओपन, आई वांट यू टू वर्क। अब उसने कहा कि मैं जो है शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं सुनूंगा। जिनने कहा यू माइट से इट वांस टू ओपन, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ तुमने बहुत बार अक्सर ये काम कर लिया, बहुत हो गया तुम्हारी हम, मैं चाहता हूँ तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम, कैमल फिर कहते हैं हम, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ। अब उसने देखा कि भाई उसको जो है अपने बैक पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है, बहुत ही ज्यादा गर्व है। पफिंग अप इंटू अ ग्रेट बिग हम। अब क्या हुआ, उसकी जो हम थी वो ऐसे ऐसे बढ़ती गई, फूलती गई, बढ़ती गई और एक बहुत बड़ी हम बन गई। डू यू सी दैट सेड द जिन। जिन ने कहा हाँ देखी तुमने अपनी हम, दैट्स योर वेरी ओन हम, ये तुम्हारी हम है, दैट्स यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जिसे तुमने खुद ब्रॉट अप करी है, खुद बढ़ाई है वर्क ना करके, ठीक है। टुडे इज थर्सडे, जिनने कहा आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगन, ठीक है, व्हेन द वर्क बिगन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम पर जाना है, काम करना है। हाउ कैन आई सेट द कैमल, कैमल कहते मैं कैसे कर सकता हूँ विद दिस हम ऑन माई बैक, मेरी बैक पे तो हम है, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट्स हैज अ पर्पस एट द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोस 3 डेज। जिन ने कहा अच्छा तो ये पर्पस है जिसकी वजह से तुमने जो है 3 दिन खराब कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज विदाउट ईटिंग। अब जिन ने कहा कि तुमने 3 दिन खराब करे ना काम ना करके, अब तुम 3 दिन बिना खाना खाए रह सकते हो, बिना खाना खाए तुम काम करोगे, ठीक है, बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम, क्योंकि तुम अपनी हम पर रह सकते हो, ठीक है, इसलिए तुम जो है बिना खाना खाए 3 दिन
काम करोगे एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और अब तुम कुछ मत कहना वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी, ये मत कहना तुम कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, डेजर्ट आओ बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ, अच्छे से बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, कैमल गया उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए, वो तीन कौन, हॉर्स ऑक्स और डॉग। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, तो उस दिन से कैमल जो है हमेशा अपनी उसकी बैक पर हम रहती है, वी कॉल इट हम्प नाउ, हम अभी से हम बोलते हैं, नोट टू हर्ट इज फीलिंग, उसकी फीलिंग ताकि उसकी फीलिंग हर्ट ना हो। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द थ्री डेज दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ही हैज नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, ठीक है। वो जो तीन दिन उसने काम नहीं किया था जब वर्ल्ड की स्टार्टिंग हुई थी, वो तीन दिन की भरपाई कैमल जो है वो पूरी आज तक भी पूरी नहीं कर पाया, ठीक है। एंड ही हैज नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, ठीक है। और ना ही अगर वो तीन दिन की भरपाई कंप्लीटली बिल्कुल भी नहीं कर पाया, ठीक है, और नेवर ही हैज नेवर येट लर्नड, और अभी तक उसने नहीं सीखा कि बिहेव कैसे करते हैं, हाउ टू बिहेव। सो स्टूडेंट्स, आप भी अपना वर्क सोचते हो ना, आज नहीं मम्मा कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ऐसे करते करते वर्क आपका भी रह जाता है। सो आपको अपना वर्क डेली करना चाहिए, अदरवाइज जो दिन चला जाएगा वो दिन कभी वापस नहीं आएगा, आप उस दिन की भरपाई कभी भी पूरी नहीं कर पाओगे। सो दैट इज योर स्टोरी दैट इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, सॉरी रुडयार्ड किपलिंग। आई होप यू ऑल हैव